दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप भी BSNL की सिम यूज करते हैं और अब आप अपनी BSNL की सिम को किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम कितने के रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पहले आपको पता है कि अगर आपकी BSNL की सिम पे इनकमिंग आपकी चालू रहती थी, इनकी इनकमिंग रिचार्ज रहता था, तो आप 10 रुपए वाला वहां पे वाउचर कर सकते थे जिसमें कि आपको 7 रुपए का बैलेंस मिलता है और उसके माध्यम से आप पोर्ट का मैसेज वहां पे मंगा सकते थे। लेकिन अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पे एक नया अपडेट BSNL की तरफ से आया जिसमें कि उस प्रक्रिया को यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो अगर आपके फोन में इनकमिंग वैलिडिटी है तब भी आप 7 रुपए के मैसेज से वहाँ पे मैसेज सेंड नहीं कर पाएंगे पोर्ट का। तो आज के वीडियो में बात करेंगे कि फिर मिनिमम आपको कितने का रिचार्ज यहाँ पे करना है जिससे कि आप पोर्ट का मैसेज यहाँ पे सेंड कर पाए और आप अपनी BSNL की सिम को किसी दूसरी कंपनी में पोर्ट करा पाए। तो अगर आप भी BSNL की सिम को पोर्ट कराना चाहते हैं किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में और उसके लिए सबसे सस्ता रिचार्ज जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके यहाँ पे ऑल पे सिलेक्ट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसमें कौन से रिचार्ज की जरूरत पड़ती है। BSNL का नया अपडेट आने के बाद अब अगर आप अपने BSNL के नंबर को पोर्ट कराना चाहते हैं तो आपकी BSNL की सिम पे कोई भी अनलिमिटेड पैक होना जरूरी है। जैसे कि अदर सिम में आपको पता है कि अनलिमिटेड पैक होता है तभी हम वहां पे मैसेज सेंड कर पाते हैं पोर्ट का। तो वही रूल्स अब यहाँ पे BSNL में भी आ गया है। तो इसके लिए आपको चलिए सबसे पहले तो मैं रिचार्ज बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे सस्ता जो अनलिमिटेड प्लान मिलता है BSNL में वो आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पे 118 रुपए का। यानी कि अगर आप 118 रुपए का यहाँ पे रिचार्ज कराते हैं तो आपका ये सबसे सस्ता अनलिमिटेड प्लान है। इस प्लान को कराने के बाद आप अपनी सिम को पोर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है दोस्तों कि इसमें आपको आउटगोइंग कॉलिंग अनलिमिटेड वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आपको यहाँ पे 0.5 GB डेटा भी डे मिलता है लेकिन यहाँ पे आपको SMS प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी SMS आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इसलिए 118 का प्लान अकेला कराने से भी आपका काम यहाँ पे नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको 118 का यहाँ पे चीपेस्ट वाला प्लान करा लेना अनलिमिटेड वाला। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे एक प्लान करना होगा दोस्तों, यहाँ पे टॉपअप में जाना है और आपको जो 10 रुपए वाला प्लान होता है जिसमें कि 7 रुपए 47 पैसे हमें बैलेंस मिलता है आपको इसको करा लेना है। यानी कि एक प्लान आपको कराना है पे 118 रुपए का प्लस आपको 10 रुपए यानी कि 128 रुपए आपको यहाँ पे टोटल खर्च होंगे। क्योंकि 118 वाले में आपको मैसेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये 10 रुपए का जो रिचार्ज हम करेंगे 7 रुपए 47 पैसे इसमें मिलेंगे, इससे हम SMS सेंड कर पाएंगे। और जैसे कि रिक्वायरमेंट है BSNL में पोर्ट मैसेज सेंड करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड प्लान होना चाहिए तो अनलिमिटेड प्लान आपको यहाँ पे 118 रुपए का मिल जाएगा। 118 का यहाँ पे आप प्लान कर लीजिए और 10 रुपए का आप यहाँ पे अलग से रिचार्ज कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी BSNL की जिससे पोर्ट का मैसेज सेंड कर पाएंगे और आपको पोर्ट वाला जो कोड आता है वो मिल जाएगा। उसके बाद अदर कंपनी में आप अपनी BSNL की सिम को यहाँ पे पोर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।